कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया और आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। लोग लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, जिस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से खाली पड़ी है, वाहनों की आवाजाही बिल्कुल कम है, लेकिन ऐसे में उन परिवारों का क्या जिनको खाने को खाना नहीं है और पैसे नहीं है। और इसी बीच जो है अभी हम यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से यह सामाजिक संस्था है आकर लोगों को खाना वितरण करा रही है और ज़रूरतमंद लोगों को सामान दे रही है, जिस तरीके से उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो आगे चल सके। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदित ग्रोवर है। क्या कुछ खाने का सामान आज आप लोगों को दे रहे हैं? आज हम इन लोगों के लिए दाल चावल और रोटी की प्रबंध कराया हमने, ताकि जो ये लोग हैं ये अपना रोज का कमा नहीं पा रहे, घर बैठे हैं जो लोग, उनके लिए हम कुछ कर पाए। इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है इस समय पे, ताकि इनका पेट भर सके, दो वक्त की रोटी इनको मिल सके। जिस तरीके से पूरे भारत में भी लॉकडाउन है, समस्या की घड़ी है, खासकर मजदूरों के लिए, तो किस तरीके की मदद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो बंदा डेली कमाता है और घर पे राशन लेके जाता है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल का समय है। हमारी साइड से हमारा जितना सामर्थ्य है, हम जितना कर पा रहे हैं, हम इनके लिए सुबह का भी खाने का इंतजाम कर रहे हैं, दोपहर का भी, और हमारी साइड से जितना इनको राशन दिया जा सकता है ताकि ये आगे भी उसका यूज़ कर सके, हम अपनी साइड से कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक यूथ है, पूरा यूथ लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका जितना भी सामर्थ्य है, ये नहीं कि आपने 1000 लोगों को खिलाना है, अगर आपका 10 का सामर्थ्य है तो आप 10 के बीच में जाइए। आपको ईश्वर ने इतना काबिल दिया है, इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप दूसरे की मदद कर सके। तो सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप जितनी मदद किसी की कर सकते हैं, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके समाज के लिए भी अच्छा है। देखिए, 21 दिन जो है बड़ी मुश्किल की घड़ी है, खास तौर पर उन मजदूरों के लिए जिनके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मजदूर भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने दिन काट रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये दिन निकालने, कैसे कैसे हमें पता ये दिन कैसे निकल रहे हैं हमारे। बस ये लॉकडाउन जल्दी खुल जाए तो हम अपना काम धंधा जो चालू फिर से कर सकें। खाने पीने में कितना सारा है, खाने को क्या कुछ मिल रहा है आपके? खाने को हमें आटा, वैसे आटा भी मिल रहा है और चावल भी मिल रहे हैं, बना बनाया खाना भी लेके आ रहे हैं। हमारी वैसे तो बहुत हेल्प हो रही है, लेकिन फिर भी काम धंधे बिना कोई गुजारा नहीं है। अब एक दिन राशन दे के जाते हैं, वो राशन कितने दिन चल जाएगा? बहुत बड़ा परिवार है, 5 किलो आटा कितने दिन चल जाएगा? 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, इसलिए बहुत तकलीफ और बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है हमें। देखिए, बिल्कुल खास तौर पर ये दिन जो है मजदूरों के लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि खास तौर पर जो मजदूर है वो भी अब अपने गांव की तरफ पैदल ही निकल गए, और हमारी भी लोगों से यही अपील है कि सरकार ने उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम कर दिया है, वो जा भी है वही रुके और 21 दिन के इस लॉकडाउन का पालन करे, ताकि भारत जो है इस कोरोना से 21 दिन के अंदर लड़ सके।